आपकी मोहब्बत में दौड़ कर चले आए, आपकी मोहब्बत में दौड़ कर चले आए, दौड़ कर चले आए, आपके लिए सब कुछ छोड़ कर चले आए। वाह वाह। और हम ये चाहते हैं यही से इस मुशायरे को बुलंद कर दिया जाए और एक उल्टी चाल चली जाए। उल्टी चाल का मतलब ये है कि जब मोहतरमा होती हैं तो आप लोग इंतज़ार करते हैं कि कब नंबर आएगा। आज हम बिल्कुल अपनी निजामत को उल्टे तरीके से चलाएंगे और आज के इस मुशायरे का आगाज़ हम एक मोहतरमा से कराना चाहते हैं। एक बेहतरीन लहजे की शायरा, एक बेहतरीन लहजे की कवित्री कल्पना गौतम हमारे बीच मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको बुलाया जाए और मैं ये दो मिसरा पढ़ना चाहता हूँ डॉक्टर अनस मसरूर अंसारी का कि और गजल बड़ी अजीब चीज है, आपके दिलों में उतरती हुई महसूस होती है। मसरूर साहब ने कहा था कि गजल भी फन है किसी जानवाज कातिल का, गजल भी फन है किसी जानवाज कातिल का, जब भी सुनिए कलेजा निकल पड़े दिल का, अपने कलेजे को पकड़िए और मुलाकात कीजिए कल्पना गौतम साहिबा से। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाए। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, 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 अगर तुमसे हमारी ये कोई मुलाकात न होती, अगर तुमको हमारी ये मुलाकात न होती, इस शहर के लोगों में कोई बात है गौतम, इस शहर के लोगों में कोई बात है गौतम, वरना तो इतनी इतनी हंसी रात ना होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना होती। देखिए मालिक का आशीर्वाद सभी पे होता है, जितने भी इंसान हैं जीव जंतु हैं सब पे मालिक की ही कृपा रहती है, हमारे अल्लाह की हमारे भगवान की कृपा रहती है कि उनकी जो कृपा हमारे पर बनी रहती है तो हम उसको और अच्छे से ज़िंदगी अपना निभा सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए। तो देखिए मालिक का आशीर्वाद है, हम मैं किस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह हम मालिक एक है सबका, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता, हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। देखिए आज के समय में समय बदल गया है, उसमें आधुनिकता आ गई है, नारी का पहनने ओढ़ने का ढंग जो है वो बदल गया है, उसका रहन सहन का ढंग बदल गया, वो शिक्षित हो गई है और समाज में पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला करके वो चल रही है, साथ दे रही है, परिवार देख रही है, समाज देख रही है। तो इसी पर मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूँ। जी मैं तेरे नाम
सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा शाम हो जाए, बनूं मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा शाम हो जाए। पढ़ा रहे जी। देखिए मैं आप लोगों के सामने एक गजल प्रस्तुत करने जा रही हूं। एक सेकंड। ला 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 तिरछी नजरें काम अपना कर गई, तिरछी नजरें काम अपना कर गई, दिल मेरा जख्मी पड़ा है क्या करूं, दिल मेरा जख्मी पड़ा है क्या करूं, पूजने को कल्पना अब ये बता मैं क्या करूं, दिल मेरा उस पर फिदा है क्या करूं, जाने दिल को क्या हुआ गौतम मेरे, जाने दिल को क्या हुआ गौतम मेरे, पास रह कर भी वो मुझसे है जुदा, पास रह कर भी वो मुझसे है जुदा, ला 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 धन्यवाद। वही वाला। ओके ओके ओके। आप बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। देखिए बैठ जाइए जनाब आयोजन मंडली में, आपके लिए ही यहाँ कुर्सियां मंगाई है,
बैठ जाइए जनाब आयोजन मंडली में, आपके लिए ही यहाँ कुर्सियाँ मंगाई हैं। इधर उधर जिसे देखे आपकी नजर, वो इस कार्यक्रम में आज नहीं आई है। वाह वाह। और नया मैं बता दे रही हूँ आपको, देखिए एक सेकंड, हाँ बस दिल, हाँ यही वाला, हाँ दिल गौतम, आप पहुंचे हैं, अभी दोबारे दौर में आप पहुंचिएगा। हाँ, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या करूं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दौर में आप फिर आइएगा, आपको लोगों ने बहुत पसंद किया, आपका स्वागत जोरदार तालियों से भैया। कल्पना गौतम साहिबा फिर आएंगी और पढ़ेंगी, लेकिन आप जहाँ से आप आवाज़ें आ रही थी उन आवाज़ों को समझा भी जा रहा है, और आप क्या चाहते हैं उसको भी हम जान रहे हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं।